हाँ भाई क्या कर रहे हो? सीवर साफ कर रहे। नाली जाम हो गई, पानी बारिश हुई है इसके कारण पानी निकल ही नहीं रहा। रात भर हम लोग उलझते हैं, दिन भर रात भर ना सोने पाते ना कुछ है, और सेल टैक्स हाउस टैक्स से सरकार को किस्त नहीं दे। हम वीरेन कुमार गुप्ता आज फिर गाजीपुर के अंदर चल रहे हैं। गाजीपुर की क्या हालात हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आपका जो है मोहल्ला कितना क्लीनिक है, कितनी सफाई है ना, स्वच्छ भारत अभियान के नाम से कितना बेकार काम चल रहा है, ना नगर निगम सुनती है ना जल संस्थान सुनती है, और यहाँ पे रहने वाले निवासी भी जो है परेशान हो चुके हैं कह कह के। अरे देखिए आप यहाँ पे नाली देखिए भरी पड़ी है, उसके बावजूद भी इस गली के अंदर भी देख लीजिए कितनी सफाई है और कितना क्या है। झाड़ू वाला यहाँ आते ही नहीं है झाड़ू लगाने के लिए, अगर झाड़ू लगाने वाला आए तो ये समस्या शायद ना हो। तो यहाँ के रहने वाले निवासियों से पूछता हूँ कि इनको क्या क्या समस्या है, आप क्या बताना चाहेंगी? अरे भैया यहाँ ये समस्या है, कितनी बदबू आती, नाली वो भरी, कचरा वो भरा, गाय और कुत्ते वो हकते हैं, कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर भाई। यही समस्या, ना पानी है, आपके यहाँ पानी कनेक्शन नहीं ना। अभी यहाँ सप्लाई नहीं है, अभी यहाँ सीवर जो है अभी चालू नहीं करे गए लोगों के हैं, बहुत से लोगों का यहाँ से गंदगी पूरी पूरे में फैली पड़ी हुई है। इधर देखिए पूरा पूरा आड़म लगा हुआ है, कोई झाड़ू लगाने वाला आता नहीं, आता है तो पैसे मांगते हैं, पैसा मांगता है वो यहाँ। उसको बुलाते सबसे ज्यादा तो समस्या पानी हो, चलो झाड़ दो बह जाए, जमादार वो नहीं, जमादार से कहो उधर। अच्छा कोई कोई बिल विल भी आता है आप लोग का? नहीं तो नहीं बिल लगा। अच्छा अब पानी बिल्कुल नहीं है, पानी दे, सीवर चालू नहीं है, पानी हो चाहिए। सीवर अभी चालू नहीं किया? हाँ भाई कहाँ चालू। हाँ भाई क्या कर रहे हो? सीवर साफ कर रहे। नाली जाम हो गई, पानी बारिश हुई है इसके कारण पानी निकल ही नहीं रहा। रात भर हम लोग उलझते हैं, दिन भर रात भर ना सोने पाते ना कुछ है, और सेल टैक्स हाउस टैक्स से सरकार को किस्त नहीं दे, क्यों दे? अपने हाथ से नाली साफ कर रहे हैं, कभी एक जमादार भी यहाँ नहीं आता इस गली में कि जो हम जमादारों को लगा दे कि हाँ चलो ठीक है, सरकार को हाउस टैक्स किस लिए दे? ये जो घटना आप देख रहे हैं आज, जो घरों में सीवर का पानी भरा है, ये आवाज विकास का मकान है। ये कम से कम 18-19 सालों से ये समस्या चलती चली आ रही है, और इसको लेके कहां कहां एप्लीकेशन नहीं दिया गया, लेकिन आज तक का इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आगे जानने के लिए और भी लोगों से मैं बात करता हूं। आपका क्या नाम है? शौकत अली। ये समस्या कब से देख रहे हैं? ये समस्या हम बचपन से देख रहे हैं। अच्छा जी। और कोई आता है इसको साफ आफ करने पे? साफ आफ करने के लिए क्या आते हैं, कहना पड़ता है 10-20 चक्कर लगाओ फिर आते हैं साफ करने, आते हैं तो पैसा लेते हैं मुंह मांगा। अच्छा अच्छा। पैसा लेंगे तो साफ होगा वरना नहीं साफ होगा? वरना साफ नहीं होगा। अच्छा नहीं। और यहाँ की साफ सफाई कैसी है? यहाँ की साफ सफाई क्या, महीने में एक बार झाड़ू लग जाए वो भी बड़ा जोर सिफारिश करने के बाद। अच्छा जी जी। क्या नाम है? शिवानी गुप्ता। हाँ, जैसा कि चाचा ने कहा, हमने भी एक बार सभासद जी से कहा था कि ये पानी भर रहा है साफ वाफ करवा दीजिए, तो उन्होंने बोला कि अपने बाप से कहो घर ऊंचा करवा दें। फिर उसके बाद हड़काते हुए कर्मचारियों को वो ले गए, और कर्मचारी ने बोला अरे भैया पानी भरा है, कहें अरे नहीं इधर की सफाई ना करो, चलो आगे चल के सफाई करो, यहाँ पे सफाई वफाई नहीं करवाना है। बाहर देखो बाहर कितना कूड़ा ढेर है, कहाँ तक हम लोग उठाए, रोज डेली उठाए थे, रोज डेली कूड़ा ढेर हो जाए, और क्या बताइए। और कोई बिल तो आया है आपके पास? टैक्स ऊपर चला रहा है, बिजली बिल ऊ चला रहा है, कहाँ तक कहाँ से पैसा लाए, लड़का कमाए वाला वो कमाए नहीं रहा, 2 साल से नौकरी छूटी पड़ी, और क्या बताइए। जरूर अपने आप आओ के देखें सब कोई। अभी कुछ लोग हमको मिले थे तो वो कह रहे थे अपने आप देखे आए कि नहीं कि क्या कमी है गाजीपुर के अंदर, उसका पूरा करे, वोट मांगे बिरिया तो सब कोई चला रहा, पैर छुए लेते हैं, कपड़ी छुए लेते हैं, इस समय का छुए कोई आवत, कोई देखे हमारी समस्या तो कुछ सुलझावे आए तो जानी कोई
काम कर रहा। ये हमारे यहाँ इंदिरा नगर के रहने वाले सी ब्लॉक के निवासी हैं, और जो देख रहे हैं आप पानी पे टंकी पे लाइन लगा हुआ है। जहाँ पानी पीने वाला कोई नहीं आता है वहाँ पे 1000 की लीटर टंकी लगाई जाती है। जहाँ पे ये संख्या है वहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से बाल्टी की लाइन लगी पड़ी है। और हमारे यहाँ नगर निगम के लोग गरीब जनता पे जुल्म ढाती है बिल भेजकर। नगर निगम या जल संस्थान इन्हीं गरीबों को परेशान करने का काम करती है। अब हम उन्हीं गरीबों से रूबरू आपकी बात कराते हैं। आपकी क्या समस्या है? पानी की बहुत समस्या है, पानी मिल नहीं पाता है, पानी आता नहीं है, गंदगी भी बहुत रहती है। वीरेंद्र भाई किसी तरीके से टंकी लगवा कर पानी मिल रहा है, उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की है। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि जो हॉटेक्स भेज रहे हैं घर पे सप्लाई नहीं है, और ये जो पानी भरने जाते हैं कहीं पर वो 500 लीटर वाली टंकी रखी है इसलिए वो पानी पूरा नहीं होता है, और जब सप्लाई नहीं है घर पे तो हॉटेक्स कैसे दे? 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है, हॉटेक्स दे कि बच्चों को पढ़ाएँ कि कूड़े का पैसा दें, काहे का पैसा कहाँ से लाएं पैसा? आपकी क्या समस्या है? हमारी भैया हम इतनी दूर से पानी भरने आते हैं, हमारे बगल में है टंकी वो जो है बिगड़ गया, उसमें बनाने के लिए आया है लेकिन सामान जो है सारे निकाल के ले गया है, कहना आएंगे लगा के जाएंगे, तब तक लगाए नहीं है, इतनी दूर से बताइए पानी भरने आते लाइन लगा के। हाँ अपना काम करेंगे कि बच्चे को पालेंगे कि पानी के लिए इतनी लाइन लगाया पड़ता है, तो हम चाह रहे जो अरे टंकी बना दे सरकार, बस बहुत तकलीफ है बहुत ही ज़्यादा। चाचा आपकी कोई समस्या? हमारी समस्या ये नगर निगम जो लूट रहे हैं, कोई टीन छाए कोई छपरा छाए, ये परेशानी दिक्कतें ये कौन करेगा? पानी की दिक्कतें हैं और जो चीज़न की दिक्कतें हैं ये सुधार नहीं करेंगे कैसे लूट लेंगे? मकान वालों से लूटे जिनके 2 मंजिल 3 मंजिल बना, या टीन छाए रह रहे कोई छपरा छाए रह रहे, ये दिक्कतें कैसे मिटेंगी? और गरीब आदमी इतनी कमाई भी नहीं, कहाँ से पैसा लाए जो लड़कों बच्चों को पढ़ाए या नौकरी लाए? अच्छी लंबी नौकरी भी नहीं, तो इतना हाई फाई पैसा है तो सबके बराबर कॉलोनी वाले बराबर हमने टैक्स दिया जाए, टैक्स हमारे पास कहाँ से? वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने बहुत संघर्ष किया तब ये हमारे मीडिया भाई पेपर अपने अखबार में छापे, और इनकी हम खबर आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से खबरें जो है निकाली गई है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आता है, ना कोई बड़ा नेता छोटा आता है, है ना? यहाँ पे अगर कोई अधिकारी या नेता कोई बड़ा आता है तो वो केवल कॉलोनी में ही साफ सफाई दिखता है, हमारे यहाँ तो कॉलोनी का कोई साफ सफाई नहीं दिखता है, है ना? इस तरह से लोगों की समस्या रहता है। तो ये है हमारे गाजीपुर निवासी के समस्या। आपको मैं गाजीपुर की भी कुछ सूरतें दिखा देता हूँ जिसके कारण से सब जर्जर हिसाब बना हुआ है। ये देखिए पानी का भर भराव है, और यहाँ पे देख लीजिए ये जो आपका चैम्बर आ रहा है ये कोई सीवर चैम्बर नहीं है, ये हमारा वाटर लाइन है। हमारे वाटर लाइन जो यहाँ के गाजीपुर निवासी के लोग पानी पीते हैं। और ये देखिए मज़ार के पास कूड़ा भी लगा हुआ है, ये कई सालों से हम लोग ने संघर्ष किया कि कूड़ा हट जाए लेकिन नहीं हटता है, ठीक है? ये पानी का भर भराव रहता है, यहाँ पे कभी भी साफ नहीं रहता है।